जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए होंडा सिविक 2022 का एक वॉक अराउंड वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले इसकी एक्सटीरियर की बात करते हैं। इसमें आईब्रो स्टाइल के एलईडी लाइट्स आती हैं जो कि बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं। उसके बाद इसके रिम की बात की जाए तो इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील आते हैं और बॉडी लाइन्स बहुत ही करेक्टर लाइन्स बहुत ही खूबसूरत हैं इस पर। तो अब इसके बैक की बात कर ली जाती है तो इसके बैक जर्मन गाड़ियों से बहुत ज़्यादा सिमिलर है और इसमें भी आईब्रो डिज़ाइन के एलईडी लाइट्स आती हैं। बॉडी में करेक्टर लाइंस बहुत ही प्रोमिनेंट हैं जो कि इसके एरोडाइनमिक्स को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना देती हैं। शेप वाइज गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ही क्लासी लुक देती है। पिछली स्विफ्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी थी, लेकिन ये स्विफ्ट स्पोर्टी होने के साथ साथ बहुत ही क्लासी भी है। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स इसमें मौजूद होते हैं और ये 1.5 टर्बो के साथ आती है गाड़ी। गाड़ी को अगर अंदर से देखा जाए तो इसमें हनीकॉम ग्रिल जो कि थ्रू आउट दी डैशबोर्ड आपको मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी है और जो बंदे खुद ड्राइव करना ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है जो कि लॉन्ग ड्राइव पे इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं इस गाड़ी को। क्वालिटी वाइज बात की जाए तो गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम लुक देता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी अच्छी बिल्ड आपको मिलती है इसको गाड़ी में। बैक सीट स्पेस की बात की जाए तो गाड़ी क्रोला की निस्बत तो कम खुली है, लेकिन 2 पर्सन फिर भी आसानी से इसमें बैठ सकते हैं और कंफर्टेबल ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं। तो गाड़ी की अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो गाड़ी का जो सा ट्रंक है वो की के साथ ओपन किया जा सकता है और काफ़ी खुला ट्रंक है और इसमें किसी भी बड़े किस्म का लगेज आप बआसानी फिट कर सकते हैं।